हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं अमेजिंग प्रसाद में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी हिट कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपके नकारात्मक विचार आपको बड़े बड़े काम नहीं करने दे रहे हैं, बड़े बड़े सोच, बड़े बड़े रिस्क लेने से रोक रहे हैं। अपने नकारात्मक विचार को अपने अंदर नहीं आने दें, हमेशा सकारात्मक सोचें, हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करें, डर को अपने अंदर से निकाल फेंके। यह पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में ही काम कर रहा है, न कि आपके विरोध में। एक दिन कॉलेज के टीचर ने एक लड़के को इंग्लिश में एक सवाल पूछा। लड़का सवाल नहीं समझ पाया क्योंकि लड़का स्कूली पढ़ाई हिंदी मीडियम से की थी। सभी क्लासमेट ने लड़के का बहुत मजाक उड़ाया। उस दिन उस लड़के ने डिसाइड किया कि अब तो वह इंग्लिश सीख कर ही रहेगा। अब वह लड़का क्लास में ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी में इंग्लिश मैगजीन, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा रहा था। पढ़ते पढ़ते लड़के ने कई एंटरप्रेन्योर, सॉफ्टवेयर और इनोवेटर की सक्सेस स्टोरी भी पढ़ डाली। एक दिन उस लड़के ने सिलिकॉन वैली के बारे में पढ़ा, जिससे उस लड़के को इंटरनेट की दुनिया के बारे में पता चला। वहाँ जाने का मन तो था लेकिन आसान नहीं था, क्योंकि IIM में दाखिले के लिए 2.5 लाख रुपये चाहिए था। उस लड़के के लिए यह नामुमकिन था, इसलिए उस लड़के ने सोचा कि एक दिन इस लायक बनूंगा कि उन्हीं लोगों को अपने नौकरी पर रख लूंगा। कॉलेज के वक्त लड़के ने एक सर्च इंजन कंपनी की शुरुआत की। इसके 2 साल बाद वह कंपनी बेचकर 197 कंपनी की शुरुआत की, जिसमें लोग फोन पर किसी का पता या नाम जानने के लिए कॉल करते थे। सब ठीक ठाक चल रहा था, तभी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जिससे लड़के की सारी मेहनत और पैसे पर हाथ से निकल गए और उसका सपना चूर चूर हो गया। वो वक्त ऐसा था कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। कभी कभी वह अच्छा भोजन करने के लिए अपने दोस्तों के घर चला जाया करता था। हालात ऐसे हो गए थे कि एक एक पैसे बचाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। 10 रुपये बचाने के लिए लड़का बस की जगह पैदल जाया करता था, 2 कप चाय से पूरा दिन गुजारता था। इन सब के बावजूद लड़का लोगों के घर में जाकर कंप्यूटर रिपेयर का काम करता था, जिससे उसका अपना खर्च निकल सके। उस वक्त उस लड़के के मन में एक ही बात आती थी, अगर बुरा वक्त निकल गया तो इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर दूंगा कि लोग देखते ही रह जाएंगे। उसके 2 साल बाद पेटीएम की शुरुआत की। अपनी मेहनत और लगन से पेटीएम का बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और आज पेटीएम भारत का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट का साधन बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा महज 5 साल में अपने स्टार्ट को $1 अरब की कंपनी में बदल दिया, जिसे आज सब पेटीएम के नाम से जानते हैं। विजय शेखर का मानना है कि जो लोग रिस्क लेते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। अगर आपको बड़ा बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि हमेशा व्यस्त रहो, अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफ़ी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हैं। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।